लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में गुरुवार से शहर के बडिश ग्रुप ऑफ फाउंडेशन स्कूल का 2 दिवसीय कल्चर प्रोग्राम शुरू हो गया, जिसका समापन शुक्रवार को किया जाएगा। एनुअल फंक्शन के पहले दिन प्रवीण भवन परिसर में स्कूल के नन्हे मुन्हे बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सबका मन जीत लिया। इस दौरान बच्चों के अभिभावक और स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मैं गुरप्रीत सिंह कालरा, प्रिंसिपल बर्डीज ग्रुप ऑफ फाउंडेशन स्कूल। कल्चर प्रोग्राम आयोजित किया, आज हमने अपना 16th एनुअल फंक्शन यहाँ पर रविंद्र भवन में आयोजित किया है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, आज पहला दिन है, कल फिर एक बार दूसरी क्लासेस और बच्चों के साथ हम ये प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। और ये हमारा 16th ईयर कंप्लीट हो रहा है और बच्चों की किंडरगार्टन एजुकेशन में हमें हमारी डायरेक्टर जो हैं लवलीन कालरा, उनको अराउंड 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद हमने 16 साल पहले हमने इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की थी कि जो पहला स्कूल पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, वहाँ जो राइट फाउंडेशन उनको मिलना चाहिए, सही तरीका से उनकी अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने स्कूल की स्थापना की थी। और आज 16 इयर्स में हमको दिल्ली से बेंगलोर और बॉम्बे में नेशनल लेवल पे कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। और हम उस अवार्ड से ज़्यादा भी हम इम्पॉर्टेंट ये समझते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको एक वो प्रॉपर फाउंडेशन मिल पाता है, जिसकी वजह से कल्चर प्रोग्राम हुआ, उसमें बच्चों ने प्रतिक्रिया दी, किस तरह की उनको तैयारी करवाई गई थी। देखिए, ये प्रोग्राम 2 महीने से चल रहा था, जिसमें आज की प्रस्तुतियाँ की प्रैक्टिस चल रही थी। और इसमें हमने अपना कल्चरल फोक इंडियन कल्चर को कवर किया, हमने स्टे हेल्दी के बेस पे काम किया, स्वच्छ भारत के ऊपर किया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऊपर हमारा प्रोग्राम उसमें थे। और साथ में मदर फादर के ऊपर एक इमोशनल प्रोग्राम हमने अभी दिया था। इस तरह के सभी का संयोजन करके हमने इस प्रोग्राम अभी जितने भी जो पूरे ईयर में परफॉर्मेंसेस या एकेडमिक और अलग अलग एक्टिविटीज़ रही हैं, उनके सब पुरस्कार वितरण भी हुए हैं और कुछ पुरस्कार वितरण कल होंगे, जो बच्चे कल सम्मिलित होंगे। थैंक यू। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।